हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत व्लॉग्स। बस चलो गाइस, आगे हम बताते हैं गाइस। अच्छा प्रेरणा के फ्लैट पे, और प्रेरणा को आइडिया नहीं है कि और रात के कितने बज रहे टाइम रात के बज गए हैं गाइस 1:44। हां तो गाइस, हमने सोचा कि हम ना कुछ हरकतें करने वाले हैं, जैसे कि हम गेट बजा के भाग जाएंगे या फिर हम लग से जाके प्रेरणा को आवाजें मार मार के डराएंगे। जीजू को पता है कि हम लोग हैं, बट प्रेरणा को नहीं पता, तो हम ना प्रेरणा को डरा रहे हैं। अब ये मतलब ऐसे वाला वैसे ही बहुत जल्दी डर जाती है। हाँ तो कहती नहीं, मुझे लगता है रात को कोई मुझे देख रहा है। हाँ तो आज हम उसको रात में देखने जा रहे हैं। आज प्रेरणा को अंकल मैं अभी आके ले लूंगी, ठीक है? चेक कर ले। तो पहले हम ये वाला गेट खोल रहे हैं छुपने के लिए। पूरी तब मेरी बात सुन, पहले ना गेट बजा के आके ना वो यहाँ तक देखने आएंगे, फिर ना हम सारे यहाँ छुप जाएंगे। यार मैं खुद ना डर जाऊँ यार, छोटी बच्ची है क्या? हाँ हाँ भाई, तो पहले हम देखते हैं कि वो लोग सो रहे हैं नहीं। किचन में काम कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेरणा दीदी चुप चुप मेरे पीछे चलो, मैं जाऊँ जाके। तुम फिर सारे बहुत शोर कर दो, धम धम करके बात। खुशी कितना मजा आ रहा। ओए ओए, रूम में गए, लाइट बंद कर दी। गाइस ये वाला खोल के ना प्रेरणा के घर में जा सकते हैं। वो खुलवाओ खुशी, इधर आ। पम्मी भाई को तो पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो काम कर पम्मी भाई को कॉल करते हैं, हली खिड़की खोल देंगे और हम यहाँ से अंदर जाएंगे। हाँ आई जो कितना स्वाद ले रही दोनों की दोनों। मजा आ रहा है यार। अंशु नीचे बैठ, नीचे बैठ। गाइस कैसे चाले चल रहे हैं। चूती आया क्या तू? पुनीत मत कर मत कर मत कर। यार
पम्मी तो ना वहां से कोई आया है, कोई खिड़की देख रहे हैं कि कौन गाइस पम्मी भाई बाहर आए हैं। वैसे पम्मी जीजू को पता मैसेज करके खिड़की हाँ बोल दी कर दिया कर दिया। पूरी दवाई है मत जा गाइस, तो ऐसा लग रहा है वो ना बाहर देखने आ रहे हैं। तो हम तो ना जोर से मत बता रहा है, हम तो बताते हैं। अच्छा गाइस, तो हम यहाँ छुपे हुए हैं, कोई बात नहीं। गाय जीजू आपको निशी ने देखने भेजा है? नहीं वो बोल रही देखियो बाहर से क्या हो रहा है क्या नहीं। जीजू सुनो, रैक हटा के ना उसे खोल दो, हम ना वहाँ से चुपके से अंदर आएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। अंदर मत जाओ, कुछ तो बताइए। नहीं नहीं सुनो, आप ना रूम में जाओ, गेट खुला छोड़ दो। नहीं नहीं तुम ना जाना, हम पहले अंदर चलो। तुम मैं जा रहा हूँ, मैं सुनो मैं जा रहा हूँ। भाई से देखो, अरे सुनो सुनो, कुंडी को कुंडी खुली खोल दो। अपने रूम में लाइट बंद कर लूँ, तुम चुपके से घुस जाओ। बाहर वाला खुला रहेगा और अपने वाले के थोड़ा लगा दूंगा और ना हमें एकदम से नहीं, तुम थोड़ी जल्दी आगे, हम ना सोने की तैयारी कर रही कमरे की लाइट बंद होएगी ना तब चलेंगे। नीचे चला जाऊंगा, ओए लाइट बंद होगी कमरे की। सुनो इधर मेरी बात सुनो, पता है क्या दीदी, सुनो सोफे रखे हुए ना, ओए तेरी गुद्दी पे रैप्टा मारूंगी तो तुमने कुछ हड़दंग कर रही हूँ करके। पता है क्या करना, सोफे रखे हुए ना वहाँ, तो ना जाके अब अंधेरा तो है ही रूम में, जाके ना कुछ ऐसी जगह पे छुप कर बैठ जाओ और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत मूवमेंट करो, जैसे वो बाहर आए ना तो एकदम चिल्लाए ना सब। ओए कोई किचन में, कोई बाथरूम के गेट में, एक चीज गलती से सब अपने फोन साइलेंट रखो और फ्लैश नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ चलो चलो, तो हम लोग घुस चुके हैं। डंडे से लाया हमने, कितने वो यार थोड़ा मैं पता छोड़ दे, ओए पता था, मैंने गलती कर दिया।
गाइस तो प्रेरणा कुछ बता रही है। मेरा पता क्या था, दो चार दिन से ना मेरे को ऐसे, पहले मैं आपको बोलती थी और मेरे को रात को डर लगता है, मेरे को ऐसे लग रहा है कोई है कोई है। आज सही में मेरे को परछाई थी कि मेरी तो लाइट बंद करके चुपचाप पर्दा हटा के देखो कोई, फिर मैंने कहा चुप चुप बाहर जाओ गार्डन में देखो कौन है। सोच और देखो गाइस टूटे पैर पे भगी मैं। सोच बहन जी जी घर से बाहर चले जाते और भूत अंदर ये चिल्लाए जा रहे हैं, मैं देख के भी डर गई हूं। खुशी खुशी तू दिग्गी वरना थोड़े और चलता। हाँ पता है हम लोगों ने मतलब सोच रखा पर चाय दिग्गी तो और डरती है। और जीजू हम अंदर घुसे, निशी कैसे बोल रही मम्मी कोई गुस्सा है, मम्मी कोई गुस्सा है। और अगर तेरे को कपड़े वाले रैक ना पड़ा होता खिड़की के आगे तो हम वहां से आ रहे थे। रास्ता लेकर आते ना तो भालू वाले फिर तो कभी गिर जाती बेहोश हो गई। बहुत कुछ किया था तो बताओ ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा।